टिप्स टू बाय सेकेंड हैंड फोन, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर बिजनेस के लिए हो या फिर पर्सनल यूज के लिए हो, आप अगर कोई सेकेंड हैंड फोन को परचेस करते हो, खरीदते हो, तो उसके लिए उस सेकेंड हैंड फोन में आपको क्या क्या सारी चीजों को चेक करना चाहिए और क्या क्या टिप्स हैं जिसके मदद से आप प्रॉपर तरीके से कोई सेकेंड हैंड फोन को चेक कर सकते हो और अच्छा डील जो है ले सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो सबसे पहला जो टिप्स है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला टिप्स है वो है किसी भी सेकंड हैंड फोन का जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको ही चेक करना, क्योंकि हर एक फोन का जो प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होता है ना वो है उसका चार्जिंग कनेक्टर से ही होता है। चाहे टाइप सी पोर्ट हो चाहे माइक्रो यूएसबी पोर्ट हो, उस फोन का जो चार्जिंग कनेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे एक न्यू फोन का चार्जिंग कनेक्टर है ठीक उसी तरीके से उस फोन का भी चार्जिंग कनेक्टर होना चाहिए। उसके अंदर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर से कोई व्हाइटनेस जिन नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से जो चार्जिंग कनेक्टर है वो वर्किंग प्रोसेस में होना चाहिए, तभी जाके आप उस फोन को जो है उस डील को जो है उसी हिसाब से क्रैक कीजिएगा। अभी टिप्स नंबर टू की बात करें तो डिस्प्ले का जो साइड वॉल्व है उसको आपको चेक करना रहेगा। देखो फिजिकल जो ओवरव्यू है उसको तो कोई भी बंदा जो है चेक कर सकता है, बट प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले का जो साइड वॉल्व है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, जैसे कि हम साइड वॉल्व या फिर फ्रेम कहते हैं, इसको आपको चेक करना रहेगा, क्योंकि इनकेस अगर डिस्प्ले चेंज हुआ है या फिर टॉर्च वगैरह में कोई भी काम किया गया है पहले से, तो यहाँ पे इजीली आप पता कर सकते हो कोई डिस्टेंस कोई गैप जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइड वॉल्व है उसको चारों तरफ से चेक करना रहेगा कि कहीं किसी भी तरफ से जो डिस्प्ले है जो टॉर्च है वो उठा हुआ ना हो। इनकेस वहां पे उठा हुआ है तो उसमें जो डिस्प्ले है या फिर टॉर्च है उसका काम किया गया है, तो ऐसे फोन को जो है आप इग्नोर करो या फिर उसी हिसाब से जो उस फोन का प्राइस है उसको डिसाइड करो। अभी हम टिप्स नंबर थ्री की बात करें तो जो कैमरा लेंसेस है उसको चेक करना है। देखो कोई फ़ोन का जो कैमरा लेंस है उसका भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई फ़ोन को खरीदोगे और 20 साल तक उसका जो कैमरा है वो उसी तरीके से अच्छा रेस्पॉन्स करेगा, अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह निकालेगा। अगर कोई फ़ोन 2 से 3 साल पुराना फ़ोन है तो आपको जो कैमरा लेंसेस है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्योंकि कैमरा लेंसेस काफ़ी सारे ज़्यादा जो है पुराने होने के बाद में अच्छी तरीके का जो फ़ोटोज़ है वो नहीं निकाल पाते हैं, या फिर फ़ोन अगर वाटर डैमेज है या फिर डस्ट वगैरह उसके पास में चले गए हैं, उसके अंदर में चले गए हैं, तो जो कैमरा लेंसेस है उसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टिप्स नंबर 3 में आपको जो कैमरा लेंसेस है उसको आपको चेक करना चाहिए। अभी टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां पे जो ईयर स्पीकर है और जो फ्रंट का सेंसर है उसको आपको चेक करना है, क्योंकि देखो ईयर स्पीकर जो होता है ना उसे काफी लोग जो है इग्नोर करते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से साउंड आना चाहिए और जो ईयर स्पीकर है वो किसी भी तरीके से डैमेज या फिर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईयर स्पीकर में कोई किसी भी तरीके से ब्लॉकेज होता है तो वो धीरे धीरे जो है सेंसर को भी खराब कर देता है। तो यहाँ पे फ्रंट में जो प्रॉक्सिमेटरी सेंसर होता है या फिर उसके अलावा जो भी सारे सेंसर जो कि फ्रंट में होते हैं उसी सेंसर को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए और जो ईयर स्पीकर है उसको चेक करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे कि काफी सारे लोग जो है इग्नोर करते हैं। अभी हम टिप्स नंबर 5 की बात करें तो टिप्स नंबर 5 में आपको जो फोन का सॉफ्टवेयर है उसको ओवरऑल चेक करना है। किस तरीके से सॉफ्टवेयर को चेक करोगे वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाके जो सिस्टम सेटिंग है वहां पे जाके देख सकते हो कि फोन में किसी तरीके से कोई कस्टम रोम वगैरह तो फ्लैश नहीं है। जो यूआई है उसका जो अपडेट वगैरह है उसको देख सकते हो, उसके अलावा फोन का जो बूटलोडर है उसको चेक कर सकते हो कि फोन जो है रूट है या फिर नहीं है, और इस चीज को चेक करने के लिए रूट चेकर नाम का एक एप्लीकेशन आता है जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन के जरिए आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो कि फोन जो है रूट है या फिर बूटलोडर वगैरह अनलॉक नहीं है, तो उस ये सारी चीजों को आपको चेक करना है सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर में। उसके अलावा यहाँ पे जो हार्डवेयर लेवल है उसको सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर में चेक करने के लिए आपको हार्डवेयर टेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करके फोन का जो ओवरऑल जो हार्डवेयर है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है चेक कर सकते हो। अभी अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो 6th पॉइंट में आपको यह चेक करना है कि फोन किसी भी तरीके से किसी भी जगह से बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन अगर बेंड होता है तो वो लॉन्ग टर्म पे ऊपर में जो है प्रॉब्लम करता है। किसी भी सेकेंड हैंड
फोन को खरीदने से पहले आप इजीली जो है ऐसे देख सकते हो कि फोन किसी भी तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए। या फिर जो साइड वॉल्व है उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि फोन वगैरह किसी भी जगह से बेंड नहीं होना चाहिए। देखो ये सारी चीजें तो जो है एक फिजिकल ओवरव्यू में देखा जाएगा कि आपको सारी चीजों को मैनेज करके देखना पड़ेगा। बट आप अगर कोई भी सेकेंड हैंड फोन को खरीदते हो ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो सेकेंड हैंड फोन आप खरीद रहे हो वो अंडर वारंटी हो। यहाँ पे बहुत सारे फोन जो है मिल जाते हैं अंडर वारंटी में, तो अंडर वारंटी फोन को आप अगर खरीदते हो और उसमें कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसे आप सर्विस सेंटर में जाके इजीली फ्री में रिप्लेस कर सकते हो। बट कोई सेकेंड हैंड फोन हो या फिर न्यू फोन हो, अंडर वारंटी फोन हो, उसमें फिजिकली कोई भी डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आप उसे जो है फ्री में सर्विस सेंटर में रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड फोन मार्केट में बहुत सारे तरीके से सेकेंड हैंड फोन को सेल किए जाते हैं। तो ये जितने भी सारे टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको बताया, जितने भी सारे पॉइंट बताया, इसी पॉइंट के को जो है चेक करके आप प्रॉपर तरीके से सेकेंड हैंड फोन को बाय कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।